उसको कहते भी ऐसे बच्चों, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे आप लोग एक्टिवा चलाते हो, एक्टिवा का मास आप लोग का जो भी है 200 किलो, और आप एक्टिवा चला रहे हो 40 की स्पीड, तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? तो एक्टिवा का मास इनटू एक्टिवा की वेलोसिटी। जब एक्टिवा रेस्ट पे तो मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा। क्यों? ऐसे पहले बेसिक मोमेंटम को समझना जरूरी है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों जाने कि मोमेंटम जो है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर, भाई वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी में जैसे कि हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बट वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती। तो मोमेंटम जब भी लिखोगे तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि मोमेंटम के साथ डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। कैसे लिखेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि न्यूटन सभी लिखना नहीं देते, चलो जैसा कि मैंने कहा कि न्यूटन का सेकंड लॉ, तो एफ बराबर एम ए कभी नहीं कहेंगे। शुरुआत हम लोग हमेशा इससे करेंगे, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर लगा दीजिए तीन। फिर फॉर्मूले यही वाइज करिए, जैसा कि मैंने कहा चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज को क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस डिवाइडेड बाय टाइम। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो इसी पे बेस्ड है। अगर सेकंड लॉ के केस की बात करूं, लगभग 4 केस हम लोगों के बनते हैं, जिस पे आप लोगों के नीट में बहुत सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड है ही। तो वो सारे का जो प्रूफ है वो डेरिवेशन है, वो यहीं से बनता है। हालांकि सबका डेरिवेशन करना उचित नहीं है क्योंकि इतना समय भी नहीं। तो कहीं पर भी अगर फोर्स लिखना है तो आप हमेशा फाइनल मोमेंटम का वेक्टर लिखिए माइनस इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर लिखिए, और उसको टाइम से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब बच्चों उसमें कौन कौन से केसेस बनते हैं जिन पे से सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, एक बार पहले वो लिख देता हूं मैं, साथ साथ आप लोग सब लोग समझ लीजिए अभी, फिर इनके क्वेश्चंस जब आप लोगों के सामने होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। इसको देखना अच्छे से। हाँ देखो बेटा, सबसे पहला जो केस बनता है, एक बार चारों केस को बोल देता हूँ फिर उनके फॉर्मूले हम लोग लिख लेंगे। जैसे रिबाउंडिंग वाले केस बनते हैं, अभी रिबाउंडिंग वाले केस क्या है? तो जैसे मैंने बोला ये मेरे पास एक बॉल है, हालांकि ये प्लास्टिक की है तो अनइवन शेप है, तो वो रिबाउंड नहीं करेगी। आप लोग सोच के देखिए, आप लोगों के पास में एक बॉल है, बॉल मतलब टेनिस की बॉल समझ लो। तो पहला केस क्या बनता है, सब लोग ऊपर देखेंगे बच्चों अच्छे से देखो। तो ये मैंने एक बॉल ले ली, इस बॉल को मैंने क्या किया, दीवार पे मारा। अब कहाँ कहाँ मार सकते हैं, या तो दीवार पे मार दोगे, या फिर छत पे मार दोगे, या फिर किधर मार दोगे? कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी आप उसको मार दीजिए। पहला केस शब्दों में सुन लो, अगर मैं कहता कि अ बॉल इज थ्रोन, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, अ बॉल इज थ्रोन टुवर्ड्स द वॉल एंड इट रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड। इसका मतलब क्या हो, रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड मतलब? चार केस जो बनेंगे उसमें आपको यही समझना है कि कौन सा केस है। तो बच्चों पहला केस ये होता है कि जितनी स्पीड से फेंका सेम मतलब उतनी स्पीड से, तो उन परिस्थितियों में फोर्स कहाँ लगेगा? ये बॉल मैंने फेंकी, देखो तो ये बॉल गई 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 गई, ये बॉल किस पे टकराएगी? दीवार पे। तो जैसे ये बॉल दीवार पे टकराएगी, बॉल दीवार पे क्या लगाएगी? फोर्स। तो वो फोर्स कैसे पुशिंग, सो दैट इज द फोर्स बिटवीन द बॉल, हिंदी में बॉल और वॉल, वॉल मतलब वो ये क्वेश्चंस पूछता है। अगर दीवार पे मारोगे तो बॉल वॉल के बीच, अगर ग्राउंड पे मारोगे तो बॉल और ग्राउंड के बीच। तो फोर्स के चार केस हम लोगों को लिखने हैं, वो चार केस कौन से होते हैं एक बार इसको अच्छे से देख लो। इन पे से सीधे सीधे प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन है। फिर इसी के साथ में इंपल्स के केसेस भी मैं आप लोगों को लिखा दूंगा। देखो एक बार एक केस अच्छे से देख लो, पहले लिखो नहीं फिर बाद में लिख लेना। एक बार देखो बच्चों, तो मान लीजिए ये बॉल है, इसका मास m है और इसकी स्पीड है u। अच्छे से देख लो, आपको सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यू लिखनी रहेगी। फिर तो हमने बोला ये बॉल है, इसका मास कितना है m, इसकी स्पीड कितनी है u। सेम स्पीड से रिबाउंड होगी मतलब, तो ये मारी दीवार पे टकराई और टकरा के तो यहाँ पर दो केस तो यही बन गए। पहले केस में बच्चों सेम स्पीड से रिबाउंड, दूसरे केस में डिफरेंट स्पीड से भी हो सकती है। डिफरेंट स्पीड से क्या पता चला, मैंने 10 की स्पीड से बॉल को मारा और टकरा के वो 5 की स्पीड से रिबाउंड हुई, या फिर
15 की स्पीड से, ये दो केस बन जाएंगे, पहला वाला रिबाउंडिंग विद द सेम स्पीड और दूसरा वाला डिफरेंट स्पीड। तो केस क्या बनेगा, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, एक केस समझाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा आपको मोमेंटम लिखना हो तो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, चूंकि मोमेंटम स्केलर वेक्टर क्वांटिटी तो वहां पर डायरेक्शन भी है। तो आप बच्चों देखिए इनिशियल मतलब मैंने कहा टक्कर के पहले, तो टक्कर के पहले जो ये बॉल है ये किधर जा रही है, एक्स वाई जेड में किधर जा रही है, अगर वेक्टर लूंगा तो ये किधर जा रही है, एक्स डायरेक्शन में। क्यों बच्चों, तो एक्स डायरेक्शन में अगर जा रही है तो इसके साथ क्या लगा देंगे आई क्या, और देखो यही बॉल टक्कर के बाद फिर किधर जाएगी, तो इधर एक्स ऊपर क्या होगा माइनस एक्स, बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी माइनस। एक बनाना सीख लो, बाकी आप लोग खुद ही बना लेंगे, एक मैं आपको बना लगा देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग को फोर्स लिखना होता है, और फोर्स लिखने में हमको क्या चाहिए, फाइनल मोमेंटम। बट सबसे बड़ी गलती है ये लोग डायरेक्टली मोमेंटम, जैसे मैं बोलूँ इनिशियल मोमेंटम कितना है, लोग बोलेंगे सर एम यू, मैं बोलूँगा फाइनल मोमेंटम कितना है, लोग बोलेंगे एम यू, तो चेंज कितना हो, जीरो। तो सबसे बड़ी गलती ये होती क्या कि हम लोग मोमेंटम को स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं। चलो कर दी, देख रहे बोर्ड, तो जब स्केलर क्वांटिटी बट फिर मुझे लगता है मेरी आवाज भी कुछ काम करेगी शायद, अभी दिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ तो सबसे पहली गलती बच्चों ये होती है कि लोग डायरेक्टली चेंज को जीरो लिख देते हैं। तो एक बार प्रूफ बता रहा हूँ, सब लोग वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम जो हम लिखेंगे, देखना इधर यहाँ पर पहले एक देख लो, तो जब इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे तो वो कितना होगा, तो मास और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आई क्या, फाइनल मोमेंटम जब लिखेंगे वेलोसिटी बट किधर हो जाएगी। तो बस चेंज कैसे लिखते हैं भाई, चेंज के लिए क्या कर देंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। अब सुनो इसको जब इससे माइनस करोगे तो कितना है माइनस एम यू आई कैप, और इसको जब चेंज लिखोगे तो कितना आएगा, देखो जरा एड माइनस करो, तो इसको जब डायरेक्ट माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो तो ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस एम यू आई कैप, ये क्या है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल कितना है, क्या बोलते हो बाकी लोग, तो फाइनल है माइनस एम यू आई क्या, उस फाइनल में से इनिशियल को क्या करना है माइनस, तो जब माइनस माइनस तो ऐड करेंगे और साइन किसके देंगे। तो बच्चों इस केस में जो चेंज इन मोमेंटम है ये वाले केस में, तो चेंज इन मोमेंटम हाँ क्या बोलते हो एम यू आई This is the value of change in momentum. बस यही निकालना है। एक बार change in momentum मिल जाएगा, तो उसको किससे divide कर दोगे? तो वही क्या बन जाएगा? Force. तो इन परिस्थितियों में रटना नहीं है। इन परिस्थितियों में force क्या होगा? इसको divide कर दो किससे? तो ये force कब होगा? Case जब किससे होंगे? सिर्फ इतना बोला case कौन सा है? जब किससे rebound होगी? तो रटना नहीं है, एक बनाना सीख लो, उसके बाद के हम लोग याद कर सकते हैं। एक बार सब लोग देख लो कैसे बनाते हैं, टक्कर के पहले का इनिशियल मोमेंटम लिख लो, टक्कर के बाद का फाइनल मोमेंटम लिख लो, चेंज हमेशा क्या होता है फाइनल में से इनिशियल, बट वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है। यहीं से मैं चार केस इंपल्स के भी बता दूंगा, तो बाकी मैं लिख देता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ लिख लो और उसको समझा दो, ठीक है। चलो लिखो केस टू, अब सुनते भी चलना लिखते भी चलना ना, थोड़ा समय बचाते हैं। केस टू में फिर ये हो सकता है कि डिफरेंट स्पीड से वो रिबाउंड कर जाए, तो यू यू की बजाय डिफरेंट। अब डिफरेंट कैसा होगा, सुनते भी चलना और लिखते भी चलना। तो डिफरेंट में बच्चों ये बॉल है, इसको फेंका वी वन स्पीड से, और डिफरेंट मतलब वी टू स्पीड से रिबाउंड हो गया, लिखते भी चलना।
तो पहले वाले केस में v1 और v2 सेम थे, यहाँ पर v1 और v2 डिफरेंट, तरीका वही रहेगा। इनिशियल मोमेंटम m v1 i कैप, फाइनल मोमेंटम m v2, बट माइनस डायरेक्शन में तो माइनस है, तो अब जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, देखते भी चलना, तो फाइनल है m v2 i कैप, ब्रैकेट लगा रहा हूं, माइनस इनिशियल है m v1 i कैप, ब्रैकेट लगा, देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बस इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स बन जाएगा, यहां से दोनों से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा v2, नहीं नहीं माइनस कॉमन लोगे तो v2 प्लस v डिवाइडेड बाय, लिखते भी चलिए, कोई डाउट आए तो पूछते भी चलिए। तो डिफरेंट स्पीड से रिबाउंड करने में क्वेश्चन कैसा होगा सुनते भी चलना, तो ऐसा बोलेगा बॉल ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंड्स विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो आपको याद आ जाएगा कि डिफरेंट स्पीड से रिबाउंड, और टाइम दे देगा, इफ द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट इज 0.1 सेकेंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, आपको सबकी वैल्यू रख दी ऐसे बढ़ गई, हां मतलब कम हो गई बढ़ गई जो भी थी होगी, कोई अपन ने एक्सटर्नल फोर्स दिया है बढ़ सकता है, कैसा हमारा जोर तो जोर से भी मारेगी तो फाइनल वेलोसिटी आने वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी, हां इस केस में हो सकती है ग्रेविटी के बेस पर ऐड हो जाए, उस केस में नहीं जो भी होगी वो दी होगी वहां पर, दूसरा केस लिख लीजिए, तीसरा केस है केस नंबर थ्री इफ डू नॉट रिबाउंड, लिख देता हूं फिर समझा दूंगा, चलो लेते चलो साथ साथ, हाँ बेटा आस्था तुम लोगों को मैंने उसमें देखा था प्रोग्राम में पहचान नहीं आया मुझे ऐसे ही लगा था कोई मुंबई का शो देख रहा हूँ मैं बच्चे भी हैं खतरनाक तैयार हो रखी क्यों रास्ता सोनी नहीं हूँ सर मैं अभी हम तो हम तो प्रोग्राम में बड़े मजे मार रहे हैं बहुत से बच्चे तो ऐसे भी जो कभी दिखे ही नहीं मुझे आज तक क्लास में, प्रोग्राम में देखो नहीं ये बहुत सारे कोचिंग्स में जो टी-शर्ट का ट्रेंड चला है उसका एक कहीं ना कहीं रीजन ये भी, प्रमोशन तो है सही कि बच्चे प्रमोशन करेंगे, बट एक ड्रेस का भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत पहले जब मैंने चालू किया था पढ़ना तो देखा पहले ड्रेस नहीं दिखती कोचिंग में, बच्चे कुछ भी पहन गए थे, बच्चे कुछ भी पहन गए थे, फिर उन्होंने कहा कि ड्रेस यहाँ पे भी कर देना चाहिए, वैसे बच्चों के लिए सर बच्चों के कपड़े अच्छे, अच्छा नहीं पता हमारी हमारी ड्रेस है जो आंसर पहनते हैं प्रोग्राम में सब वही पहनते हैं, मैं तो कभी नहीं पहनता पर आज ही पहनी
लिख लो भाई ड्रेस पहन पहन के बोर हो गया था यार। पहले इनमें 6-7 साल से ड्रेस पहन के जिंदगी बिल्कुल सोखी हो गई थी। कलरलेस माँ की शर्ट का कलर क्या था? क्रीम। और पैंट का वो मिट्टी कलर। चलो लिख लिया। पता है आपको अपनी पहचान बन जाती है एक टाइम बाद। एक टाइम बाद हम लोग कपड़े इतने सारे थे कि पहन ही नहीं पाए, तो वो सब पड़े 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 भूल ही गए कपड़े पहनना। फिर पहचान बन गई। कहीं भी मैं जाता था प्रोग्राम में तो हम शादी निपटा रहे थे बहुत सारे दिन, वो लोग याद रखते थे कि यार उसी कपड़े में आता है ये। अब 8:30 बजे शादी में जाना है तो कौन घर जाएगा, बस चेंज होगा। वहां पर अच्छी यूनिफॉर्म थी, बढ़िया वो कोट देते थे, ब्लेजर पहनो, शादी निपटा लो। उसी नहीं उसको लिखा नहीं था कि अच्छी चीज थी। नहीं वो तो आईडी था, आईडी अभिषेक, आईडी अलग था वो, पर उसका फायदा ऐसा नहीं, मतलब फायदा नहीं था। लिख ले देखो छोटी वाली। देखो नीट के क्वेश्चनों को कैसे घिसा जाता है, तो यही दो क्वेश्चन उन्होंने दो बार पूछ लिए। एक साल ये पूछ लिया, एक साल ये पूछ लिया, एक साल ये पूछ लिया, और एक बार डेफिनेस पेपर। कई बार तो वो साल भी चेंज नहीं करते, ऐसा मतलब जो इस साल है उसका अगले साल ही बस थोड़ा सा एंगल चेंज किया और काम हो गया। तो वहां पे क्या जरूरी है, कैसे याद रखना। अरे यार चलो, हाँ इतने दिन से इनको एंटरटेन करा था मैं कंपनी वालों को। देखो ठीक है चलो बेटा। कल मेरे पास RBL बैंक से फोन आया, बोले क्रेडिट कार्ड। मैंने बोला चलो ठीक है मैडम, ले लेते हैं आपसे क्रेडिट कार्ड। मैंने उससे ऑथेंटिफिकेशन मांगा, मैंने आपका ऑथेंटिफिकेशन क्या है, मैं कैसे मान लूँ कि आप ही हैं। तो वो बोले कि सर हमारा ये वो। मैंने चलो आई डी कार्ड भेजो, तो बोले आई डी कार्ड तो सर बना नहीं, मैं नहीं ज्वाइनिंग में हूँ। सुनो इन्हीं केसेस में इम्पल्स में छुपा हुआ, तो फोर्सेस और इम्पल्स दोनों को मैं साथ में बताता हूँ। देखो एक बार, अब अगर आप पहले वाले केसेस याद रख सको तो कर लेना, अगर नहीं भी याद रख सकते हो तो कोई समस्या नहीं, लास्ट वाला केस अपने को बस याद रखना है। तो उसमें केसेस लाइन बाय लाइन वो देख लो, पहले वाले में क्या हुआ सेम स्पीड से, दूसरे वाले में डिफरेंट स्पीड होगा। तो देख लो ऊपर यहाँ पे कितनी है V1 और यहाँ पे कितना है V2, तो इनिशियल मोमेंटम कितना लिखाएगा, कितना लिखाएगा M1 क्या फाइनल माइनस V2 माइनस क्यों चलेगी, बस चेंज क्या होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो बच्चों जब इन दोनों को माइनस करोगे देख लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, M कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा V2 प्लस V1 / T। दूसरा केस इस पे से भी क्वेश्चन, तीसरा केस डू नॉट रिबाउंड, प्रैक्टिकल केस साउंड होता है। डू नॉट रिबाउंड मतलब क्या, कुछ बॉलें ऐसी भी हो सकती है जो रिबाउंड ही ना हो, प्लास्टिक की बॉल होगी तो रिबाउंड कर जाएगी, टेनिस की बॉल होगी, लेदर की रिबाउंड। आप एक काम करो, जो बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा उसमें वो लोग पुट्टी बॉल बोलते हैं,
पुट्टी समझते हो? दीवारों पर थे ना पुट्टी, तो उसकी जगह आप लोग मिट्टी की बॉल समझ लो। बच्चे मस्ती करके करते भी थे, कुछ पिक्चरों में भी दिखाते हैं वो गाय के गोबर से वो सब बना के। आपने एक मिट्टी की बॉल बनाई और दीवार पे मार दी, तो उन परिस्थितियों में क्या होगी? वो चिपक जाएगी ना। चिपक गई मतलब वो रिबाउंड सिर्फ आपको केस पहचान में, कि अगर इन परिस्थितियों में रिबाउंड नहीं होगी तो बच्चों उसका मतलब क्या, देखो ये दीवार है तो रिबाउंड नहीं हुई मतलब क्या, उसका इनिशियल मोमेंटम तो कुछ ना कुछ रहेगी आपको, बट रिबाउंड नहीं हुई मतलब फाइनल। तो बनाने का तरीका समझ लो बस, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है M-T-1 आई क्या, फाइनल कुछ मोमेंटम है मतलब, तो बस माइनस वही करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इस फॉर्मूले को याद रखने का, इसका भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग बना लेंगे, इसका भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो भी आप लोग बना लेंगे। ये तीन केस हो गए, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चौथा। अब चौथे और पहले में क्या कंपैरिजन, वो देखो, तो पहले वाले केस में भी बच्चों रिबाउंड तो हुई, बट किससे रिबाउंड हुई? सेम स्पीड से। यहाँ पर भी ध्यान से देखना, यहाँ पर भी रिबाउंड तो हुई सेम स्पीड से, बट किस पे हुई? तो क्यों नहीं, हम एंगल पे क्यों नहीं फेंक सकते? प्रैक्टिकल बात है भाई, प्रैक्टिकल कोरिलेट करते हैं। देखो ये दीवार है, मैंने बोला पहले वाले केस में कैसा फेंका, देखो बिल्कुल ऐसा सीधा, तो परपेंडिकुलर फेंका और सेम स्पीड से रिबाउंड हुई। दूसरे वाले केस में भी परपेंडिकुलर फेंका बट डिफरेंट स्पीड से रिबाउंड। तीसरे वाले केस में परपेंडिकुलर फेंका बट रिबाउंड। तो चौथा वाला केस ऐसा हो गया, ऐसा फेंका, तो अगर इसको मैं ऐसा फेंक दूं रिबाउंड होगी नहीं होगी? तो अगर इसको एंगल पे फेंक दूं और सेम स्पीड से अगर रिबाउंड हो जाए तो उन परिस्थितियों में फोर्स आपका कितना होगा श्रुति? यानी यहां पर इतना लिख रही थी ना वो, किसका कॉल? कंटिन्यू तुम लोग कोई करते हो क्लास में? देखो उसको क्या ब्लॉक कर सकते ना, उसी नंबर से देखो भाई क्या पता इसको दे देता हूँ एक बार ओटीपी आ, थोड़ा पैसे वैसे लेते बात कर कॉल करना। चौथे वाले केस में रिबाउंड तो होगा बट सेम स्पीड से रिबाउंड होगा। अब इसमें दो केस कौन से बनते हैं देखो जरा अच्छे से। तो जो मैंने वहां फेंका था, तो ये बच्चों मैंने फेंका यू स्पीड से और ये यू स्पीड से ही रिबाउंड हो गया। तो पहले और चौथे में क्या फर्क है फिर से आ गया? हाँ, पहले वाले में सेम स्पीड से रिबाउंड हुआ परपेंडिकुलर, बट चौथे वाले केस में सेम स्पीड से रिबाउंड हुआ एंगल से। अब इस एंगल में भी दो क्वेश्चन नीट में एक साथ पूछे जो मैं कह रहा था, उसमें भी क्या फर्क है? तो ये एंगल किसके साथ है बच्चों? देखो तो पहले जो ये आप देख रहे हैं थीटा एंगल, ये इसके साथ है, इसको क्या बोलते हैं देखना? तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, मतलब नॉर्मल मतलब बिल्कुल प्लेन मतलब दीवार है। तो पहले वाले केस में जो एंगल दिया होगा वो दीवार से परपेंडिकुलर दिया होगा, मतलब प्रैक्टिकल समझोगे तब कभी नहीं बोलोगे। तो बॉल को ऐसा फेंका, तो ये जो दीवार से जो नॉर्मल बन रहा है ये, तो उस नॉर्मल के संग जो एंगल है वो क्या है? थीटा। तो अगर नॉर्मल के साथ एंगल दिया हो उन परिस्थितियों में वही वेक्टर लेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे, इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट लिखेंगे, फाइनल के कंपोनेंट लिखेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा इसको याद रखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अगर नॉर्मल से थीटा एंगल पे आपने फेंका है तो उन परिस्थितियों में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा होगा 2mu cos थीटा। बस याद के रखना, अगर नॉर्मल के साथ है तो यहाँ पे क्या आएगा? cos थीटा। इसी में परपेंडिकुलर फेंक दोगे तो cos थीटा को हटा देना तो क्या बन जाएगा देखो? नहीं नहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 2mu upon t। तो जो दो क्वेश्चन बने वो कैसे देखो, देखो बच्चों, तो नॉर्मल के साथ अगर एंगल है तो फोर्स का फॉर्मूला ये बनता है। इसी में सब कुछ सेम रहेगा, ध्यान से देखना, इसी में सब कुछ सेम रहेगा, बट यहां कैसा बनेगा? यहां कैसा बनेगा? तो यहां भी हम फेंक तो रहे हैं यू स्पीड से, रीबाउंड भी यू से, बट यहां एंगल किसके साथ है? देखो अगर ये एंगल थीटा देता तो
ये एंगल थीटा ये थीटा एंगल किसके साथ है और ये जो थीटा ये किसके साथ है दीवार के साथ या फिर वॉल के साथ। तो उन परिस्थितियों में बच्चों फॉर्मूला याद रखना है रहेगा वही 2mu/t अगर नॉर्मल के साथ है तो 2mu cos θ/t और दीवार के साथ है तो बस इतना याद ना उसको याद रखना है ना इसको याद रखना है ना इसको याद रखना है सिर्फ याद रखने के लिए हिंदी में लाइन उसको और रिवाइज कर लो क्या है अगर नॉर्मल के साथ एंगल है तो वहां पे क्या आएगा cos θ तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2mu cos θ/t और दीवार के साथ है तो सब कुछ सेम cos की जगह तो ये एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन और ये चार क्वेश्चन एक मिनट लिखो मैं इसी में बच्चों जो नीट में पूछे गए क्वेश्चन है वो ये कभी वो फोर्स पूछते हैं एक बार सुन लेना फिर लिखना बच्चों कभी वो फोर्स पूछते हैं और कभी वो इम्पल्स पूछते हैं तो बहुत से लोग अब इम्पल्स से भागते भी हैं कि लोगों को लगता है कि इम्पल्स कोई नई बात है तो अगर इम्पल्स पूछे तो कुछ नहीं है ये चारों फॉर्मूले को अच्छे से देख लो यही मैं लिख देता हूं इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम भी बोलते हैं बट वो इस्तेमाल नहीं होता तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर वो इम्पल्स पूछेगा बच्चों तो आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वही किसके बराबर होती है इम्पल्स तो फोर्स के फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ यहां से एक बार सब लोग देखना फोर्स के फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम बोलो चेंज इन मोमेंटम ही किसके बराबर है सब लोग याद रखेंगे चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स के बराबर तो बच्चों बताओ फोर्स को ऐसा लिख सकता हूँ इंपल्स अपॉन टाइम तो चलो आ जाओ पहले वाले फॉर्मूले में सब लोग देखो स्मार्टली याद कैसे रखना है सब लोग स्मार्टली देखो तो पहले हमने बोला फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम तो 2mu/t तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू यही किसकी वैल्यू होगी तो ये इम्पल्स कब होगा केस जब बॉल किससे होगी सेम स्पीड से रिबाउंड इतना समझ लेना बस फोर्स के फॉर्मूले में टाइम को नीचे से हटा दो जो ऊपर वाली चीज होती है वही चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है और वही किसकी वैल्यू है इम्पल्स तो सेकेंड वाले फॉर्मूले में इम्पल्स कौन सा होगा केस कौन सा हो गया क्वेश्चन कैसे पूछेगा बोलेगा अ बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इट रीबाउंड्स विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड फाइंड द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल भारी शब्द है लोग सोचते हैं कुछ और निकालना है तो इंपल्स पूछा है तो ऊपर वाली चीज चेंजिंग मोमेंट तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इसमें इंपल्स ये नीट का क्वेश्चन है तो -mv/t ये इंपल्स है इसमें इंपल्स और इसमें इंपल्स लिख लो इसको तो आप शॉर्ट में लिख देना है हल्की सी लाइन कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंट और फोर्स इज इक्वल टू इंपल्स अपॉन टाइम भी बस अब ये फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आप लोग सीधे सीधे सर नॉर्मल में यू और उसमें बॉल के बीच में वी क्यों दिए अरे ऐसा कुछ नहीं है बॉल पे दिल पे मत बोल ये पानी किसका है चलो आगे लिखना वैसे तो ऑप्शंस में प्लस माइनस नहीं दिए तो ये नेगेटिव से फोर्स के डायरेक्शन बता रहे कि जिधर दीवार पे बॉल फोर्स लगाएगी दीवार उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्शन रिएक्शन का डिस्टेंस से तो डिपेंड करेगा स्पीड पे सेम स्पीड से रिवॉल्व होगा सेम डिस्टेंस डिफरेंस होगा तो डिफरेंट डिस्टेंस हो जाएगा नॉर्मली डिफरेंट ही रहता है सेम स्पीड से कभी रिवॉल्व नहीं होता कुछ लॉस होता है ये इलास्टिक कॉलेज में आगे पढ़ेंगे आइडियल केसेस इन इलास्टिक कॉलेज में डिफरेंट स्पीड्स होती है अब लिखना आप लोग अब बच्चों लिखो कुछ स्टैंडर्ड केसेस उसमें लिखना सबसे पहले लिफ्ट प्रॉब्लम सबसे पहले लिखेंगे सब लोग लिफ्ट प्रॉब्लम अच्छा इसमें एक मिनट इंपल्स का एक क्वेश्चन और याद आ गया नीट का ही
करना, लेफ्ट आर्म को लिखना। इसके बाद फोर्स टाइम ग्राफ, इसमें से भी एक बार नीट में क्वेश्चन है, फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ। सब लोग ये सारे केसेस को बार बार रिवाइज कर लें, जाने के पहले एक बार आप लोगों को और पूछ लूंगा तो आप लोगों को फिर आसानी रहेगी। फोर्स टाइम ग्राफ में लिखना, हाँ बेटा क्या हो, क्या चाह रहे हो, चार्ज करना है? कौन सा फोन है? ये लो, आज तुम्हारे चार्जर लाया भी था। मुझे पता ही था किसी का फोन डिस्चार्ज। हाँ लिखना, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अस इंपल्स, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अस इंपल्स। एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इंपल्स, बस इतने से को अंडरलाइन कर लेना। अब क्वेश्चन कैसा देखो, वहां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये मैटर नहीं करता, सबसे पहले ये मैटर करेगा। देखना भाई, सब लोग ऊपर देखेंगे, देखो इस तरह का एक ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लो। सेम क्वेश्चन मंडी में भी आएगा, वहां बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो जब इसको बना लो सब लोग, पहले तबियत खराब है शायद। देखो आपको, हाँ बेटा जल्दी बनाओ, बड़ा माही क्या प्रोग्राम में डांस कर करके बहुत खुश है। तुम लोग भयंकर नाच भी देते करना गया। हालांकि मुझे प्रोग्राम कोई पसंद नहीं, मैं होता तो भी नहीं। क्या बोल रहा हूँ, प्रोग्राम में मुझे इतने अजीब लगते हैं। पर आप लोग नाच भाई कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। तुम थे कि हमे को लग ही रहा था कि मेरी तरफ से तुम लोग नाच रहे हो, बहुत सारे ये वेलकम नाच रहे हो, खुशी खुशी भी थी ना। हाँ चलिए, एक कुछ बच्चों ने मुझे वीडियो भेज रहे थे, वो टेबल वाला गेम भी था ना। लिखना क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक ही क्वेश्चन में आपको इसमें कंप्लीट दिखा देता हूं, फिर इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, एक बार मैं लिख लो भूल जाऊंगा, वैल्यूज तो मन से ना, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। 10 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर 8 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर 8 सेकंड। अब सुनो जरा,
तो ये टेंटेटिव फोटो मैंने अपने मन से बना दिया, फोटो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नेट में चेंज कर सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, अच्छे सुनना सब लोग, ऊपर देखेंगे अब बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन में ही आप लोगों के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन। सबसे पहले देखो आप लोगों को कैसे याद रखना है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे वहां पर आप लोग क्या करते हैं, तो वहां पर जो मेन सबसे काम है, मैंने फर्स्ट लेक्चर से कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट वहां याद रहना चाहिए। अब जैसे आपको सोच के लग गया कि मेरे पहले 5 के बाद तो कलेक्ट हो गए, इसमें कोई क्वेश्चन पूछ नहीं, मैंने आपको बताया वही प्रीवियस यूनिट के क्वेश्चन है, तो फिर सब बच्चों को बना देना चाहिए। समस्या ये वहां याद नहीं रहते। अभी न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहा हूँ, तो जो लिखा है वो आप लोगों को ताजा याद है, इसीलिए आप लोग उसको ऑटोमेटिक अप्लाई कर दो। अब जब वहां पर क्वेश्चन आएगा फोर्स टाइम ग्राफ, तो 70-80% बच्चों को कॉन्सेप्ट याद नहीं है। भाई फोर्स टाइम का कॉन्सेप्ट याद होगा तभी तो आप उसको आगे बढ़ा पाओगे, तो वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अब कोई सा भी क्वेश्चन नए टाइम्स किसी भी एग्जाम का, अगर आपको ये याद है कि फोर्स टाइम ग्राफ, बस तो इसका क्या निकालना है हम लोगों को, एरिया निकालना है। एरिया ही किसके बराबर होगा, बस इतनी चीज आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। वो भी क्यों, वो भी क्यों, सीधा रटना थोड़ी ना, फोर्स और टाइम, और फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इंपल्स के दो डेफिनेशन है। इंपल्स को या तो क्या बोल सकते हैं, फोर्स इंटू टाइम, बोलो बच्चों और क्या बोल सकते हैं, चेंज इन टाइम। देख लो क्या बोल सकते हैं, तो उससे याद आ जाएगा ना कि फोर्स टाइम ग्राफ है, तो आपको याद आ जाएगा यार फोर्स टाइम ग्राफ है, इसका मतलब इसका क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया निकालना तो बच्चों बात है भाई, एरिया निकालना, ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी पूछा हो उससे मुझे कोई मतलब, बस इस लाइन को मैं हाईलाइट करूंगा, एरिया इज इक्वल टू इंपल्स, जितना एरिया निकालोगे उतना ही इंपल्स के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ इंटरवल, बच्चों ध्यान से देखना सीखना एरिया, तो यहाँ पर इंटरवल देखो, सबसे पहले t इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर है और यहाँ पर t इज इक्वल टू टू है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द इंपल्स, समझना, अगर मैं पूछूं कि 0 से 2 सेकंड के बीच का इंपल्स निकालो तो क्या करोगे, मैंने क्या बोला इंपल्स किसके बराबर है, बार बार रिवाइज करो, तो 0 से 2 सेकंड का इंपल्स क्या हो जाएगा, एरिया किसका, 0 से 2 चलेगा। अब 0 से 2 में फिगर कैसा है, ये सब आप जानते हैं, तो 0 से 2 में फिगर कैसा है, ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस देख लो 2 है, हाइट देख लो 10, तो वो कितना आ जाएगा, हाफ दूसरा इसके बाद 2 से 4 सेकंड का इंपल्स, एक और बताए तो फिर आप लोग कर लो, 2 से 4 सेकंड का इंपल्स क्या होगा, एरिया 2 से, तो 2 से 4 में क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, ये साइड कितनी है, और ये हाइट कितनी है। तो एक बार प्रैक्टिस होने से क्या है, वनटी में भरमार है इन क्वेश्चंस का, एरिया निकालना होगा, वहां पर सिर्फ पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंपल्स, इंपल्स फोर्स, फोर्स है, वन डायमेंशन मोशन में कुछ नहीं, वहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, तरीका चेंज नहीं होगा। तो जो रटेगा सीधा सीधा तो वो समस्या है, फिर उन लोगों को वन डी का क्वेश्चन भी नहीं लगेगा। तो याद अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट रखना है, वो भी समझ के, कि जैसे एफ टी ग्राफ आता है बस दिमाग में ये बैठा लो, जहां का इंपल्स पूछे वहां का एरिया, बाकी इसके बाद कुछ नहीं रटना है, हम खुद निकाल लेंगे। तो 2 से 4 के बीच का एरिया आपने क्या बोला, कितना होगा, 2 into 10 20, दिस इज द इंपल्स। हां अब लिखते नहीं है, यही लिख देते हैं, ये कितना है +10, ये कितना है +20, 4 से 5 का एरिया, बेस कितना है, 1, तो कितना आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट,
यही लिख दू बस, इसको अलग से लिखेंगे, फिर हम लोग एक क्वेश्चन आठ दिन में सबको जोड़ के 8 सेकंड का निकालेंगे। इसके बाद बच्चों 5 सेकंड के बाद फिर क्या हुआ, 5 सेकंड के बाद 5 से 6 के बीच का अगर इंपल्स पूछता तो 5 से 6 के बीच का एरिया निकालते हैं, तो अब इसकी हाइट कितनी लोगे, तो बच्चों परपेंडिकुलर है -5 और बेस कितना है 561 ही, तो उसका निकालोगे तो हाफ बेस क्या बोलते हैं, एक बार कैलकुलेशन अच्छे सीख लो ओरल, तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप लोग इस बना, 2-3 क्वेश्चन इधर और ज्यादा बना लोगे। थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा कल, वहां पे भी एरिया आए थे पढ़ा था मैं, कल लेक्चर देख के आना बहुत अच्छे से, वहां पे मैंने बताया एरिया निकालना, तो भरमार लाइन से भरमार है वहां क्वेश्चन एरिया के, तो एक बार एरिया निकालना सीख लो तो कोई समस्या नहीं। तो ये कहां से कहां तक के बीच का निकाल लिया, 5 से 6, फिर देखो 6 से 7 के बीच बेस कितना है 1, हाइट कितनी, तो ये कितना है -5 और ये भी कितना है -2.5, थोड़ा माइनस में लिखो ये सर -10। तो इससे बच्चों क्या सीखा कि किसी भी इंटरवल का एरिया निकाल लीजिए और वो एरिया ही आपके इंपल्स के बराबर होगा। मेरा सवाल सुनना, मैं पूछूंगा व्हाट इज द इंपल्स, ध्यान सुनना, व्हाट इज द इंपल्स बिटवीन 4 to 8 सेकंड, 4 to 8 मतलब 4 से 8 सेकंड के बीच का इंपल्स कितना होगा, क्या करोगे, 4 से 8 सेकंड के बीच का इंपल्स निकालना है तो एरिया निकाल दो किसके बीच का, 4 से 8 के बीच का सिंपल, जहां का इंपल्स वहीं का एरिया, तो 4 से 8 के बीच एरिया में साइन ऐड करेंगे, तो 4 से 8 में ये क्या +5, फिर -2.5, -5, -6 जोड़ दो, अच्छा देखो +5 -2.5 -5 -5 क्या बोलते हो, +5 -5 तो 4 से 8 सेकंड के बीच, ऐसे आप किसी भी सेकंड किसी भी इंटरवल के बीच का इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे व्हाट इज द टोटल इंपल्स ऑन द बॉडी, टोटल में क्या करेंगे, टोटल शुरू में 0 से 8 तक बीच, चलो बोल दो, तो फिर टोटल इंपल्स कितना होगा, सबका जोड़ दे, सबको जोड़ लो, 10, 20, 30, 35, ये कटिया +30 आएगा, डायरेक्ट लिख दूं, ये +30 जो तुम लोग बोल दो पूरा, क्योंकि 5 हो जाएगा, 30 10 देखो बेटा इतना इतना कितना -5 देखो सुनो, ये आम जिंदगी है, ये क्वेश्चन इस टाइप में थोड़ा सा फोटो भी चेंज कर देना, वो आप लोगों के नेट में मिलेगा आपको क्वेश्चन। अब यहाँ तक तो काम करना अच्छा है कि कोई दिक्कत नहीं, एरिया निकालना सीख गया इसी बहाने, बट क्वेश्चन को अगर अच्छा करना है तो ऑब्वियसली वो स्पीड पे खेलेंगे ताकि पूरा इंपल्स आप लोग का यूज हो जाए। तो वहां देख लो हमने क्या बोला, इंपल्स की दो डेफिनेशन है भाई, तो एक तो क्या हो गई फोर्स इनटू टाइम, उससे हमने एरिया निकाल लिया, और दूसरा बच्चों एक मिनट ऊपर देखो सब लोग, दूसरा वाला जो पार्ट है इस पे अच्छा क्वेश्चन बनता है, कहीं भी अगर स्पीड का जिक्र करे तो समझ जाना कि इंपल्स को ही हम लोग फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम। तो अब बच्चों ध्यान सुनना, कॉपी छोड़ो पेन छोड़ो, सेकंड पार्ट अच्छा है, इसको देखो इधर, तो ध्यान से देखो, तो ये आपने बोला कि सर 0 से 8 सेकंड का इंपल्स इज इक्वल टू, आपने बोला 0 से 8 सेकंड का एरिया, जो कितना आया +20, एक डेफिनेशन, जितनी बार इंपल्स बोलोगे ना ये लोग 99% लोग इसको छोड़ देते हैं,
इसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लोगों के लिए इम्पल्स मतलब ये सबसे कचरा डेफिनेशन है। कोई बोलेगा इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, कभी यूज नहीं आता। यहाँ भी पूरा वो यूज थोड़ी ना है, यहाँ फोर्स इनटू टाइम का अपन ने एरिया निकाल, जो ऊपर वाली डेफिनेशन वो अच्छी है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब लिख दो, ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ, एक बता रहा हूँ फिर एक आपसे पूछूंगा। तो मैंने बोला बच्चों 0 से 8 सेकंड के बीच का इंपल्स प्लस 25 है, इसी इंपल्स को क्या लिख दूंगा, चेंज इन मोमेंटम किस इंटरवल में, उस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है। बोलो चेंज मतलब कितना, सीधा बैठा तो फाइनल किस पे होगा 8 पे, तो मोमेंटम एट 8 सेकंड माइनस मोमेंटम एट 0 सेकंड, इस पूरे की वैल्यू होगी। बस मोमेंटम लिखने का तरीका क्या होगा, मास तो पहले मास कितना दिया क्वेश्चन में, ग्राम कभी नहीं चलता, ग्राम को केजी के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, तो 8 सेकंड में मोमेंटम देखो बच्चों क्या लिखा है, मास एक बार पहले से लिखता हूँ इनटू वेलोसिटी किस पे माइनस 0 सेकंड का मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो पूरा शुरू से, मन में पढ़ लो तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। मन में क्वेश्चन पढ़ लो, क्या दिया है, कुछ स्पेस फिट दी क्या, देखो क्वेश्चन में कहा की स्पीड दी है, कहा की स्पीड दी है, बॉल ऑफ मास मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, हाँ और स्पीड कब पूछी है, तो बच्चों यहाँ देखो सब लोग, तो 8 सेकंड पे स्पीड पूछी है और कुछ नहीं बोला मतलब इनिशियल, तो 0 सेकंड पे स्पीड आप लोगों को दी है। बस तो यहाँ से 8 सेकंड की स्पीड थोड़ा कैलकुलेशन एक स्टेप खा लो, ये m कॉमन निकाल के डिवाइड कर दूं क्या, और m की वैल्यू कितनी है 40 ग्राम, यहाँ ध्यान से देखना 40 है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या हमारा, देख लो कैसे सॉल्व किया, इन दोनों से मास क्या ले लिया मैंने कॉमन, और उसको कॉमन लेके क्या कर दिया नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक 0 पड़ जाएगा और ये 100 का चले जाएगा, तो वेलोसिटी एट 8 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 और ये कितना आ जाएगा 5500, 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 10, तो इसको उधर ले जाऊं, तो 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2500, उधर कितना हो जाएगा 2500। एक बार देख लो दो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, सबसे पहला एक बार देखना फिर लिखना, फिर एक आपसे पूछूंगा, सबसे पहला एरिया ही किसके बराबर होगा, ये तो आसान है, जिस सेकंड का इंपल्स पूछेगा उस सेकंड का एरिया। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया 0 से 8 सेकंड का इंपल्स इज इक्वल टू बच्चों 0 से 8 सेकंड का एरिया, और ये मेन बात है, ये आम जिंदगी नहीं, इसमें लोग चूक कर देते हैं, तो जिस इंटरवल का इंपल्स होगा बच्चों उसी को लिख दोगे उसी इंटरवल का चेंज इन मोमेंटम, बस चेंज को लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, देखो ये इंपल्स किस इंटरवल के लिए है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट विल बी द स्पीड एट 2 सेकंड, तो इसको क्या लिख दोगे, फिर रिवाइज करो, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो 0 से 2 सेकंड का इंपल्स है तो इसको क्या लिख दोगे चेंज इन मोमेंटम किसका, 0 से 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी है प्लस 10। चलो अब ये आप लोग बताओ इसको क्या लिखेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम अगर 0 से 2 सेकंड में निकाला उसकी वैल्यू कितनी है प्लस 10, तो इसको क्या लिख दोगे P2 माइनस इसको इसकी वैल्यू प्लस 10, बस P2 को क्या लिख दोगे m V2 माइनस इक्वल टू प्लस 10, बस फिर से सॉल्व करके यहां से V2 की वैल्यू भी और कर लीजिए सब लोग, इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए। तो बच्चों कौन कौन सी बात है जो एग्जाम में याद रखना है, लिखते हुए चलो सुनते हुए चलो, तो सबसे पहले अगर FT ग्राफ दिखता है, लिखते हुए चलो सब लोग, कौन कौन सी बात दिमाग में घुसानी है, तो अगर FT ग्राफ दिखता है तो सबसे पहले सोचना है कि एरिया निकालना है,
जिस इंटरवल का एरिया निकालोगे उस इंटरवल का इंपल्स मिल जाएगा, सही, इंपल्स मिल जाएगा, तो उसको लिख देना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो वहां से आपको फाइनल वेलोसिटी भी मिल जाएगी। ओके हां भाई सर, सर टाइम वेलोसिटी इंक्रीज करेगी क्या फॉर द जॉब लाइन, अगर इंपल्स पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, इंपल्स नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी को कम करेगा। वो इस उस इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी को कम कर देगा। वो सर स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो नहीं सेट रहती, हो भी सकती है बट क्वेश्चन में दी हो, अगर कुछ नहीं बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला मतलब जीरो, बट क्वेश्चन में दी है इफ इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, मैंने दी इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जीरो ले रहे हैं, तो रेस्ट बोला होगा तो जीरो और दी होगी तो ये लेना है यहाँ पे फिर ये वाला पॉइंट जो, ठीक नोट कर लियो, एक ये वाला पार्ट को भी नोट कर लो बेटा, एक माइनस निकाल के देख लो, जीरो से टू वाले को भी नोट कर लेना, पानी ठंडा है क्या, ठंडा पानी ठंडा किसके पास है, नहीं मिला ये पर साफ हो गया। चलो कल रात में ऐसे ही डूब गई, मैं ट्रेन से आया था, मेरी मम्मी ने मुझे कहा था पानी ले जाना, मेरे कॉल देखो, टेंशन नहीं करेगा।